गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् विद्यकर्तारमव्ययम् नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते कर्म भिर्न स बध्यते नमां तानि कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्मफले देहाद्यारम्भकत्वेन अहङ्काराभावात् न च तेषां कर्मणां फलेषु मे स्पृहा तृष्णा येषां तु संसारिणां अहङ्कर्ता इति अभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान् कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम् युक्तम् पुनः इति युक्तम् तदभावात् नमां कर्माणि लिम्पन्ति इत्येवं यः अन्यः अपि माम् आत्मत्वेन अभिजानाति नाहं कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा इति सकर्म विहीन बध्यते तस्यापि न देहादि आरम्भकाणि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः सो कल के निगमन के अनुसार ये निर्णय हुआ कि विद्वेष रहित वर्ण व्यवस्था मनुष्य के सामने एकमात्र विकल्प है। इस व्यवस्था में
व्यवस्था में तीन बातें मुख्य रूप से रेखांकित होनी चाहिए, वो ये है कि व्यवस्था का संबंध है वंश शुद्धि से, व्यक्ति को जितना अधिक संयम हो सकता है करना चाहिए, और वंश शुद्धि पर आग्रह होना चाहिए। वंश शुद्धि के बिना स्वस्थ परिवार की, प्रतिबद्ध परिवार की, एक दूसरे पर विश्वास करने वाले परिवार की, एक दूसरे को ठीक से समझने वाले परिवार की स्थिति नहीं बनती है। अगर हम अतिरेक की तरफ जाएं तो ये कहना पड़ेगा कि व्यभिचारियों का वास्तव में परिवार नहीं बन पाता। व्यभिचारी लोग आपस में विश्वास का जीवन नहीं जी पाते। एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो समाज की पहली संस्था है परिवार, वो क्षत विक्षत होती है। वैसे तो ये बात सही है कि समाज की पहली इकाई व्यक्ति है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि समाज की पहली इकाई परिवार है। व्यक्ति उसकी एक ईंट जरूर है, लेकिन जब घर बनता है तो ईंटें नहीं कमरे गिने जाते हैं, है ना। तो परिवार जो है वो संस्था के रूप में पहली इकाई है। व्यक्ति होने पर भी समाज का स्वस्थ निर्माण होता नहीं। यदि परिवार समाज में स्वस्थ हो तभी समाज स्वस्थ होता है, अन्यथा तो समाज एक भीड़ हो जाता है। समाज जो मॉडल्स हमारे सामने हैं उसमें जहाँ जहाँ वर्ण संकर समाज है, माने जहाँ पर वंश शुद्धि का कोई आग्रह नहीं है, मुझे मालूम नहीं है ऐसे कौन से देश हैं, बस कुछ होंगे जरूर, मात्रा के रूप में किसी का आग्रह ज़्यादा है किसी का कम है। जितना ही वंश शुद्धि का अनाग्रह दिखाई देता है उतना ही वो समाज परिवार की दृष्टि से टूटा हुआ दिखता है। और जब परिवार टूटता है तो कल हम चर्चा कर रहे थे, बालक और वृद्ध दोनों ही उपेक्षित होते हैं। हालांकि समाज व्यक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद समाज में जो बालक है उसकी स्थिति और जो वृद्ध है उसकी स्थिति व्यक्तियों से नहीं बनती बल्कि परिवार से बनती है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो दोनों की संभाल कर सकती है, दोनों को संभालती है। इसीलिए भारतीय चिंतन में व्यक्ति को परिवार के लिए विसर्जित किया गया। चिंतन ये है कि व्यक्तिवाद भारतीय चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परिवारवाद जरूर है। इस विशेषता को ध्यान में लावें, समाजवादी चिंतन हमारा उतना नहीं है। अभी जो समाज में चिंतन चलता है देश विदेश में, जो हमारी बातें होती रहती हैं जब मैं बाहर होता हूँ तो, और यहाँ भी जब लोग आते हैं तो वाद दो ही बनते हैं, या समाजवाद या व्यक्तिवाद। भारतीय चिंतन में ये दोनों वाद ही उपेक्षित हैं। मुख्य जो उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया
वो परिवार की तरफ किया। परिवार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संस्थान है कि अगर वो स्वस्थ रहे तो व्यक्ति भी स्वस्थ होगा और समाज भी स्वस्थ होगा। परिवार की उपेक्षा करके समाज को स्वस्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज के जो दो तीन अंग हैं उनकी उपेक्षा जरूर हो जाएगी। वो है एक वृद्ध, दूसरा है बालक, और तीसरा है जो परिवार में जो भी व्यक्ति कमजोर है। अब उसमें स्त्री भी आ सकती है, उसमें विकलांग भी आ सकता है, उसमें रोगी भी आ सकता है। परिवार तो एक ऐसी संस्था है जिसमें एक विकलांग व्यक्ति जीवन भर सम्मान सहित रहता है। देखो कितनी बड़ी बात है, नहीं तो विकलांग केंद्र बनाना पड़ेगा। ये तो नहीं बोल सकते कि समाज में कभी कोई विकलांग नहीं होगा, रोगी नहीं होंगे, ये तो बोल नहीं सकते। तो हर चीज की जिम्मेदारी जो है राष्ट्र के ऊपर डाल करके समाज बनता नहीं। सुंदर समाज का निर्माण परिवार की उपेक्षा करके नहीं हो सकता, और व्यक्ति की सुरक्षा बिना परिवार के हो नहीं सकती। व्यक्ति केवल जवान, स्वस्थ और सुंदर नहीं होता, व्यक्ति कभी शिशु भी होता है, और व्यक्ति कभी रोगी भी होता है, और व्यक्ति कभी वृद्ध भी होता है। जब उसको दूसरे के धर्मेंद्र उठ जाए कर देखो, बोलना नहीं चाहिए हमको, संवेदना स्वयं होनी चाहिए। व्यक्ति को व्यक्ति के शरीर को दूसरे के शरीर की जरूरत पड़ती है। दूसरे का स्वस्थ शरीर हमारे जीर्ण शरीर में सहायक बनता है, रोग होता है तब भी। तो स्थिति ऐसी है, इसलिए परिवारवाद माने पूरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को आप ध्यान में लाना, ऐसे नहीं अलग से एक वाक्य बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। भारतीय चिंतन में परिवारवाद सबसे ऊपर है, व्यक्तिवाद भी नहीं और समाजवाद भी नहीं, और इसीलिए परिवार को सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए व्यक्तियों को बहुत महत्व नहीं दिया गया, व्यक्ति को विसर्जित किया गया। परिवार बने इसके लिए अभी कनाडा से यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, वो आए थे नोएडा जब मैं था यज्ञ में, तो वो सर्वे कर रहे थे हिंदुस्तान के समाज को, और फिर नोएडा आए वो, तो उन अब रोज रात को बैठक होती थी और अच्छी खासी चर्चा होती थी। तो एक दिन मैंने उनको कहा कि असल में आपके चिंतन में जो भेद हो रहा है वो ये है कि आपका चिंतन व्यक्ति को बहुत महत्व देता है। माने वो ये कह रहे थे कि भारत में बच्चों के साथ बड़ा अन्याय होता है। एक दिन का ये टॉपिक था, माता भी डांटती है, पिता भी डांटते हैं, बड़े भाई भी डांट देते हैं, और माने इस तरह से। तो वहाँ तो और भी सब लोग थे, बड़े प्रबुद्ध लोग भी थे, पेरेंट्स थे, तो सबको बड़ा अटपटा लगा कि ये कोई आपत्तिजनक बात है क्या। और पश्चिम में इस तरह के लॉ पास हुए कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को
डांट नहीं सकते, और उसको नंबर दिया गया होता है, पुलिस को फोन कर सकता है, वो पेरेंट्स को पकड़ा जा सकता है। और अगर कोई बालिका हो, छोटी भी हो, वो कंप्लेन कर सकती है कि ये हमारा पिता अथवा हमारी माता, तो आप उसको ठीक से छू नहीं सकते, गोद में बैठाएं और उसको बुरा लग जाए तो वो फोन कर सकती है। सो शी इज मेड टू अंडरस्टैंड कि ये पिता आपका एक भयानक व्यक्ति भी हो सकता है, और शायद पिता होगा तो होगा, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। तो इस तरह का समाज बना पश्चिम में, और ये व्यक्तिवाद को महत्व देकर के ही बना कि आपको शिशु बड़ा महत्वपूर्ण है, युवा बहुत महत्वपूर्ण है, स्त्री बहुत महत्वपूर्ण है, वृद्ध बहुत, परिवार कहाँ गया? सबके अधिकारों के लिए, एक एक व्यक्ति, एक एक वर्ग के अधिकारों के लिए आपके पास चिंतन है। परिवार तो सबको मिला के बनता है। खैर, उन्होंने मान लिया इस बात को तुरंत ही, और ये मैं मानता हूं कि चिंतन में ये एक बड़ी जरूरी चीज होती है कि जब सच्चाई कोई दिखे तो उसको कोई मान ले। सो आप इस बात पर ध्यान दें कि जब परिवार बनता है तो कोई स्त्री अपने पूरी पृष्ठभूमि को अपने पति के घर में विसर्जित करती है, उसका गोत्र, उसका हैं, उसका सरनेम, उसका आर्थिक स्थिति, उसकी क्या रही होगी, उसका देश, अब जो भी लिखेगी वो तो ये बिना विसर्जन के परिवार बनता नहीं। जो लोग परिवारवाद के महत्व को नहीं समझते वो इन बातों पर डिबेट करते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए, चिंतन में कोई अवरोध नहीं है, लेकिन चिंतन का पर्यवसान होना चाहिए, चिंतन का निगमन होना चाहिए, और चिंतन सृजनात्मक होना चाहिए, एक कांदिशिक चिंतन नहीं होना चाहिए, कहीं भी ले जाके पटक दिया, ठीक है, कोई भी विसर्जित न करे, मान लो एक विकल्प है, परिवार का निर्माण होगा, कभी नहीं होगा, व्यक्ति रहेंगे, परिवार नहीं रहेगा, और जब परिवार नहीं रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, समाज नहीं रहेगा। सोच के देखो, राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी, सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होगी। सो मूलाधार जो बनता है वो क्या बना? परिवार। अब परिवार में जो घटक हैं, वृद्ध, बालक, स्त्री, पुरुष, ये सब उसके घटक हैं, और वो संगठित होना चाहिए, संघट्ट होना चाहिए उनका। तो जब विवाह नाम की एक संस्था आई, परिवार की धुरी क्या बनी? विवाह। वो एक संस्था है, और उसमें वंश शुद्धि का आग्रह किया गया। अब मानव समाज में संवेग हैं अपनी जगह पर, तो कभी अंतरजातीय विवाह अथवा अंतरजातीय संबंध हो गया तो उसकी अनुमति है कि नहीं है, तो वो द्वितीय क्रम में, माने पहली प्राथमिकता है 100% वंश शुद्धि होनी चाहिए। लेकिन मनु महाराज स्वयं ही यह अनुमति देते हैं कि अंतरजाति विवाह हो सकता है, लेकिन वह अनुलोम संबंध होना चाहिए। अनुलोम संबंध का अभिप्राय है उच्च वर्ण का वर हो और उससे निम्न वर्ण की स्त्री हो। यह संबंध वंश विज्ञान के अनुकूल है,
इसमें जो संतानोत्पत्ति होगी, जो प्रजा होगी, क्योंकि परिवार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है सत संतान की उत्पत्ति करना, बहुत बड़ा उद्देश्य है। सत संतान की उत्पत्ति हो जेनेटिकली, प्लस फिर उसका संरक्षण हो, उसका पालन हो, पोषण हो, उसको समाज का एक सुदृढ़ जिम्मेदार व्यक्ति बनाया जाए। जिम्मेदारी किसकी है? ये परिवार की, राष्ट्र की नहीं, समाज की नहीं। ये उसके लिए हमें अलग से कोई संस्था खोलने की जरूरत नहीं है कि अब चिन्मय मिशन एक विंग बनावे वो जरूरत नहीं है। इट एक स्वावलंबी संस्था है। हर बच्चा अपने आप ही पल जाता है, पढ़ जाता है और पुष्ट हो जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है। तो ठीक है, अच्छा चलो करो। ऐसे में जब अंतरजाति विवाह की अनुमति आई तो जैसे जेनेटिकल साइंस जिसको बोलते हो, जेनेटिकल साइंस में भी दो प्रजातियां मिलाई जाती हैं, लेकिन हर प्रजाति, मुझे शिलोंग के जो डायरेक्टर थे जेनेटिकल इंस्टीट्यूट के, उन्होंने एक बार ये कहा, रहने तो बैठ जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत करेगा, फिर अगर ज्यादा करेगा तब उसको ठिकाने लगाए जाते। तो उन्होंने कहा कि 100 में से एक आध ही कॉम्बिनेशन ठीक निकलते हैं, बाकी सब गलत निकलते हैं जब हम प्रयोग करते हैं। तो अंतर प्रजातीय जब व्यवस्था की जाती है तो ये वॉच किया जाता है कि इसका जो परिणाम निकला वो सही निकला कि गलत निकला। तो ऋषि लोगों का ये कहना है कि अनुलोम संबंध स्वीकृत है। विलोम संबंध ये हो गया कि उच्च वर्ण की स्त्री हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो। तो ऐसा जब संबंध बनता है उसको नाम दिया गया विलोम संबंध। तो देखो, वर्ण व्यवस्था में ही ये दो तरह के संबंध भी हैं। तो वंश शुद्धि में दो बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो बिल्कुल शुद्ध संबंध हो, दोनों जातियां ही एक हो, या फिर अगर कभी अंतरजाति विवाह का कोई प्रसंग आता भी है तो इतना ध्यान जरूर होना चाहिए कि वह अनुलोम हो। विलोम संबंध को चिंतन में, शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है। तो वर्ण व्यवस्था में एक तो वंश शुद्धि का प्रसंग आया, दूसरा प्रसंग कल हम लोग कर रहे थे कि जो वर्ण के लिए अनुशासन बताए गए हैं, जो उसके नीति नियम बताए गए हैं, नैतिक नियम बताए गए हैं, उनका जितना हो सके आग्रह पूर्वक पालन करना चाहिए। तो ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का, माने जिस गुण प्रभाव को लेकर के वो पैदा हुआ है उस अनुशासन को उसको बनाए रखना चाहिए। विद्या कभी आसुरी प्रवृत्ति की हो सकती है, शौर्य कभी डाकू के पास हो सकता है, और व्यापार कभी केवल शोषण का साधन हो सकता है, उत्पादन का नहीं, शोषण का साधन हो सकता है। तो इन तीनों वर्णों के धर्मों को सृजनात्मक बनाए रखना, पॉजिटिव अप्रोच इन तीनों की बनी रहे, इसके लिए हर वर्ण के लिए कुछ नीति नियम शास्त्रों में बताए गए। जैसे कल मैं वैश्य के लिए बोल रहा था, गोस्वामी जी ने कहा, सोची वयस कृपण धनवानो, कृपणता और समृद्धि दोनों हो तो वह वैश्य शोचनीय है, अगर वो दशमांश न निकालता हो तो शोचनीय है,
अगर वो अपने ग्राहक को परमात्मा न देख करके, बड़ी गंदी सी भाषा मुंह में आ रही है क्योंकि वही सुना है, अगर उसको कोई कंज्यूमर को मुर्गा समझता हो फंसा, तो यह वैश्य धर्म के विपरीत। कंज्यूमरिज्म क्या है? फंस गया, खत्म करो। हमारा वैश्य नहीं था, हमारा वैश्य है कि हमारे, हमको भगवान ने ये कर्म दिया है, हमारे सामने जो ग्राहक आता है परमात्मा का रूप है, क्योंकि उसी से हमारी रोटी चलती है। तो जब थोड़ी भी अगर उसमें ईश्वर बुद्धि बन जाए तो उसके प्रति शोषण की जो भावना है वो कुंठित हो जाएगी, तब वो उसकी सेवा भावना में जाएगा। ये देखो, ये वैश्य धर्म है। तो इन धर्मों का ठीक से पहले अध्ययन होना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसके प्रति आग्रह होना चाहिए। जैसे मैंने कहा शौर्य है, शौर्य डाकू के पास नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय का सरनेम तो वर्मा है ना, बोला था ना मैंने वर्मा, वर्म मने कवच। तो क्षत्रिय का मूल धर्म हुआ समाज का है ना कवच बनना, समाज पर चोट लगने के पहले उस चोट को अपने ऊपर लेना, ये उसका मूल धर्म है। और ये होने के लिए उसको शूरवीर होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, युद्धे चापे पलायनम इत्यादि। अब वो न करके उन्हीं गुणों से वो समाज पर चोट लगाने वाला बन सकता है। माने जितने बदमाश हैं वो सब के सब, उनमें भी वही गुण होता है, शौर्यम शौर्य तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, ये सब रहता है उनमें। और वो भी डकैतों को भी हम सुनते हैं कि वो किसी की शादी करवा दी उन्होंने दानम, और उस पर पिक्चर भी बन गई ग्लोरीफाइंग द रॉन्ग थिंग। तो वर्ण धर्म का जो सृजनात्मक पक्ष है, जो सकारात्मक पक्ष है, जो उसके शास्त्र में अनुशासन है, उनका ठीक अध्ययन होना चाहिए और फिर उनका आग्रह पूर्वक पालन होना चाहिए। व्यवस्था में ये दूसरा बिंदु है, वंश शुद्धि और फिर धर्म के प्रति आग्रह, अनुशासनों के प्रति आग्रह। और व्यवस्था में तीसरा बिंदु है शासन की ओर से, राज्य की ओर से, कि वह किसी के प्रति झुका हुआ नहीं दिखना चाहिए, सभी वर्णों के प्रति शासन को निरपेक्ष होना, निष्पक्ष होना चाहिए। विद्वेष की समाप्ति का दायित्व राज्य के ऊपर है, राज्य कहिए या फिर हम कहेंगे फोर्सिंग एजेंसी, जो इन नियमों को समाज में लगाती है, उतारती है, वो समय समय पर बदलता रहता है। तो अभी फिलहाल जो इंस्टीट्यूशन है उसको राज्य बोलते हैं, वही फोर्स करता है, किसी वर्ण को उठाना चाहेगा, किसी वर्ण को दबाना चाहेगा, किसी वर्ण को फैसिलिटेट करेगा। ये अब तो केवल वर्ण व्यवस्था नहीं रही देश में, नाउ यू आर कॉल्ड मल्टीपल सोसाइटी। हिंदुस्तान कैसा समाज है आज के दिन, मल्टीपल, मल्टीपल माने बहुधर्मी, बहुवेशी, बहुभाषी, बहुदेशी समाज। द कंट्री विच हैव मैनी, विच हैज मैनी फेथ, मैनी लैंग्वेज, मैनी कल्चरल बैकग्राउंड, ये आज हमारा समाज ऐसा है जिसमें मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सब लोग हैं। तो इसको बोलते हैं बहुधर्मी समाज। बहुधर्मी समाज में भी विद्वेष होता है, वर्णों में विद्वेष तो है सो ही है,
धर्मों में भी आपस में विद्वेष होता है और उस विद्वेष का कारण अगर खोजा जाए तो राज्य में मिलता है। इसलिए मानस में राम राज्य में ये निर्णय हुआ कि भगवान के प्रताप से माने राजा राम के प्रताप से समाज में परस्पर वैर का निराकरण हुआ। वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये राज्य की सफलता है, ये समाज की नहीं और व्यक्ति की भी नहीं। व्यक्ति क्या करेगा, अगर परिवार में ही एक भाई के साथ पक्षपात किया जाए तो दूसरा भाई है वो बड़े भाई से प्रेम नहीं कर सकता, चाहे भी तो नहीं कर सकता, विद्वेष होगा कि देखो उनकी वजह से मुझे ये तकलीफ है। सो इसमें अब एक पहलू ये तो हो गया, एक पहलू है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से भिन्न है। वर्ण व्यवस्था की गई मानव समाज को लेकर के और आश्रम व्यवस्था की गई व्यक्ति को लेकर के। व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न वृत्तियों में प्रवेश करता है। एक तो सामान्य संक्रमण है और एक विशेष है। सामान्य संक्रमण यह हुआ कि जीवन के पहले 25 वर्ष निर्माण काल के रूप में पहचाने जाते हैं। निर्माण काल व्यक्ति अपने भीतर योग्यताओं का निर्माण करता है, ये उसकी पहली माने प्रथम जीवन का पहला चरण यह है। आजकल उसको लोग एकेडमिक लाइफ बोलते हैं, लेकिन उसका रहस्य समझना। एकेडमिक लाइफ माने क्या, आदमी अपने को निर्मित कर रहा है आगे के जीवन के लिए, और जितना अच्छा उसका निर्माण काल बीतता है उतना ही अच्छा आगे का जो 75 वर्ष है वो बीतता है। मैंने वो जीवन की एक तरह से आधारशिला बन गई। उसकी पढ़ाई अगर अच्छी है तो आगे ठीक है, ये अगर उसने कोई हुनर सीखा तो आगे वो काम आएगा। अगर निर्माण काल में वो व्यक्ति अगर फेलियर हुआ, प्रमादी हो गया, मानो कोई कारण है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि निर्माण काल उसका खराब गया अगर, तो फिर आगे के जीवन में सुख मिलना काफी कठिन हो जाता है। तो इसी को नाम दिया गया ब्रह्मचर्य आश्रम, और ये निर्माण का उद्देश्य लेकर के, सृजन का उद्देश्य लेकर के गुरुकुलवास से संबंधित रखता है। गुरुकुल माने क्योंकि वहां लौकिक विद्या भी सीखने की जरूरत है, तो उनके अनुशासन में रहना, उनकी सेवा में रहना, उनसे सीखना सीखना सीखना, और उसके लिए जो भी तप की जरूरत हो, एडजस्टमेंट की जरूरत हो, संयम की जरूरत हो, परिश्रम की जरूरत हो, वो सब करना, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। सामान्य वृत्ति है। तो गृहस्थ आश्रम को बोलते हैं जहां संग्रह भी है, विलास भी है, उपार्जन भी है। गृहस्थ आश्रम में एक ऐसी मनोवृत्ति को छूट दी जाती है जो थोड़ा विलास चाहती है, भोग चाहती है, एंजॉय करना चाहती है। शास्त्र ने उस वृत्ति को सम्मानित किया, उसके लिए गृहस्थ आश्रम बनाया। विलास के लिए उत्पादन चाहिए, धन के बिना विलास क्या। तो योग्यता के अनुसार धन कमाने का, धन कमाने की अनुमति मिली, धन संग्रह करने की अनुमति मिली शास्त्र की ओर से, शासन की बात नहीं कर रहा हूं, और भोग की अनुमति मिली। तो गृहस्थ आश्रमी को भोग
और संग्रह और उपार्जन तीनों का अधिकार है, किसी भी तीनों आश्रमियों से ज्यादा। वो देह यात्रा के लिए भोग करे ऐसा जरूरी नहीं है, मन को विलसित करने के लिए भी उसको उसका अधिकार है और उसको शास्त्र बुरा नहीं मानता। संग्रह जी, सभी के पास संग्रह होता है, लेकिन गृहस्थ को अधिक से अधिक संग्रह करने का अधिकार है। जितना वो संग्रह कर सकता है कर ले। ये और उपार्जन के लिए चाहे जो उद्यम करना चाहे करे। ये कितना छूट है, मैंने शास्त्र की ओर से ये तीनों बातें कही। फिर मनोवृत्ति बदलती है तो वानप्रस्थ आश्रम एक तीसरा आश्रम बनाया गया। तो वानप्रस्थ आश्रम को तप प्रधान आश्रम बोलते हैं, तप प्रधान, जहां पे व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल गई, उपार्जन में भी वृत्ति इतनी नहीं लगती, संग्रह में भी नहीं लगती और विलास में भी नहीं लगती। अब उसकी वृत्ति अध्यात्मोन्मुखी है, अध्यात्म की तरफ चलती है, चाहती है, ईश्वरोन्मुखी है, धर्मोन्मुखी है। इस वृत्ति को सम्मानित करने के लिए, इस वृत्ति को फैसिलिटेट करने के लिए यह आश्रम बना, जिसमें शास्त्र की ओर से यह स्वीकार किया गया कि अब ये आश्रम का जो व्यक्ति है, वानप्रस्थ की भी एक दीक्षा होती है, जैसे ब्रह्मचर्य की दीक्षा है, बिना दीक्षा के हमारे सामाजिक चिंतन में कोई बात नहीं होती। ये आज का ऐसा समाज हो गया जहाँ दीक्षा विहीन समाज हो गया, नहीं तो ब्रह्मचर्य की भी दीक्षा दी जाती है। गृहस्थाश्रम में विवाह संस्कार वो विवाह की दीक्षा ही है, और फिर वानप्रस्थ की भी दीक्षा होती है, उसका वेश बदलता है थोड़ा, और सन्यास की तो दीक्षा ही है। माने हमारे चिंतन में ऋषि ने ये नहीं कहा कि आपकी मनोवृत्ति दिन भर में अगर चार बार इधर से उधर जाती है तो आप चार आश्रम में एक ही दिन में रहते हो, वो नहीं मानते। वो कहते हैं हर चीज एक प्रतिबद्धता उसमें होनी चाहिए। तो अब बना वानप्रस्थ जहाँ पे सोशलाइजेशन से आपको मुक्ति दी जाती है, मान जो सामाजिक कर्तव्य हैं जिनको नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म के रूप में गृहस्थ आश्रमी को मानना पड़ता है, वानप्रस्थी को वही नित्य नैमित्तिक कर्मों से मुक्ति है, सकाम कर्मों से मुक्ति है। उसका प्रधान कर्म है उपासना। फर्क हुआ ना, माने छह कर्मों से, छह कर्मों में उसके लिए सबसे प्रधान कर्म हो गया उपासना और प्रायश्चित। नित्य नैमित्तिक कर्मों में, नित्य कर्म में जो नौकरी इत्यादि आ रही थी वो उससे छुट्टी। तो उपासना के पोषक जो नित्य कर्म है वो करता है। तो एक तरह से वो सन्यास वृत्ति के पूर्व की वृत्ति है। और चौथा आश्रम है तो सन्यास वृत्ति, जहां पर ये वृत्ति क्या है कि लक्ष्य के लिए अपनी सारी प्राथमिकताओं का सन्यास, कोई प्राथमिकता नहीं है जीवन में, एक प्रोजेक्ट है, दो चार लक्ष्य नहीं है जीवन के सामने, तो बाकी का सन्यास। आजकल लोग ऐसे भाषा बोलते हैं इसको कि इन्वेस्टिंग द टोटल एनर्जी इन वन गोल इन वन एरिया,
channelizing all the resources and then investing the whole energy into it. सारे जो अपने संसाधन हैं उनको इकट्ठा करना और उनको सभी को उठा करके एक लक्ष्य में डालना. तो सिंस ही इज नॉट अवेलेबल फॉर एनीथिंग, और किसी चीज के लिए चूंकि वो उपलब्ध नहीं है और उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, 10 चीजें दिमाग में नहीं हैं, अपने को बांटने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी वृत्ति को जब ये वृत्ति बनने लगती है तब इस वृत्ति को बोलते हैं संन्यास वृत्ति. और इस वृत्ति को सम्मानित करने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए दीक्षा होती है, उसको बोलते हैं संन्यास दीक्षा. मैंने घोषित किया जाता है दुनिया के सामने कि ये जो मनुष्य है वो इस वृत्ति वाला है और इसलिए ये ऐसी रहनी रहेंगे और आपको उनकी उनसे ऐसी ही अपेक्षाएं करनी चाहिए, दूसरी अपेक्षाएं उनसे आपको नहीं करनी चाहिए. दीक्षा हो जाने से मनोवृत्ति तो एक जैसी हमेशा रहती नहीं, तो लेकिन दीक्षा होने से बहिरंग बंधन हो गया तो वह वृत्ति, उस वृत्ति में आग्रह बनता है, पोषण होता है. व्यक्ति अगर मनोवृत्ति बदली, बोले हम आज मेरी मनोवृत्ति दूसरी है, वो नहीं अलाउड है. समाज भी चेक करता है और व्यक्ति भी अपने को अनुशासन में रखता है. तो एक तो ये आयु से संबंधित है आश्रम, प्रायः ऐसा सामान्य विभाजन इस तरह से है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका मूल संबंध वृत्ति से है, आयु से नहीं है. और इसीलिए 8 वर्ष 9 वर्ष की आयु में भी हमारे यहां लोगों ने संन्यास लिया और उपनिषद का समर्थन है यदहरेव विरजेत तदहरेव परिव्रजेत ब्रह्मचर्यात्वा गृहात्वा वनात्वा. जिस क्षण तो वैराग्य हो और आपकी प्राथमिकता केवल परमात्मा हो सकता है, ऐसा आपको लगता है, बोलते हैं तदहरेव उसी दिन परिव्राजक होना चाहिए. चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में आप रह रहे हो, चाहे गृहस्थ में, चाहे आप वानप्रस्थी हो, कहीं से भी संन्यास में जाने का विधान है. चाहे कोई आयु हो, चाहे कोई आश्रम हो, कोई क्रम अपेक्षित नहीं माना गया. संन्यास एव अतिरेचयेत, क्योंकि असल में वही वृत्ति शास्त्र चाहता है मनुष्य में कि बस वो परमात्मा में समा जाए, उसके जीवन की सार्थकता हो गई. अगर वो उसकी प्रायोरिटी बनती है तो दूसरी प्रायोरिटी तो सब फालतू है. उसके लिए थोड़ो आया था इस शरीर में, बाकी तो हर शरीर में ही वो सब काम होता है जिसको आप समझते हो कि बड़ा स्पेशल कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम. व्हाट इज दैट इज स्पेशल इन इट? वो सब काम आदमी करता है जो काम पशु करता है, उसको लोग स्पेशल समझते हैं. तो अगर एक बार उसके चित्त में यह वृत्ति कहीं से आ गई तो श्रुति कहती है बस अब कहीं कंप्रोमाइज मत करो. सो आयु निरपेक्ष यह आश्रम व्यवस्था है, मुख्यतः वृत्ति से संबद्ध है. और याद रखा जाए कि यह व्यक्ति को लेकर के व्यवस्था है, समाज को लेकर के नहीं. समाज को लेकर के वर्ण बनता है, एक ही समाज में 4 वर्ण होते हैं, लेकिन समाज को लेकर के आश्रम नहीं बनता.
आश्रम बनता है व्यक्ति, एक ही व्यक्ति इन चारों आश्रमों से संक्रमित होता है। व्यक्ति ही अपने उन्नयन काल में ब्रह्मचर्य आश्रमी है, गृहस्थ आश्रमी है, वानप्रस्थ आश्रमी है और संन्यास आश्रमी है। सो देखो आप, ये व्यवस्था ऐसी बनी कि व्यक्ति भी उसमें कवर्ड होता है और समाज भी। इसको बोलते हैं हिंदू धर्म की वैदिक व्यवस्था। भाष्यकार ने चूंकि आश्रम शब्द भी लिखा था तो इसको भी जान लेना चाहिए। क्या लिखते हैं, अथवा वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेताहा मनुष्याः। मिला 13वें श्लोक के ऊपर का पैराग्राफ है। मनुष्य जो है वो प्रविभाग से उपेत है, इन विभागों से युक्त है। उपेत माने युक्त है। मनुष्याः प्रविभागोपेताः, सीधे एक्सप्रेशन कैसे वो अपनी बात कहते हैं। इस विभाग से मानव युक्त है। कौन से विभाग से? वर्ण आश्रमादि। ये वर्ण विभाग से युक्त है, इसका मतलब है मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता जिसमें वर्ण विभाग न हो। केवल बस वही है विकल्प, सांकर्य की तरफ जाएं कि वाद की तरफ जाएं कि व्यवस्था की ओर जाएं। वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेताः मनुष्याः मम वर्तमान अनुवर्तन्ते। बोले तो ये सब के सब मेरी ओर ही चलते हैं। अब वो हम बता चुके हैं मम वर्तमान अनुवर्तन्ते का। यहां लिखते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ऊपर वाले पैराग्राफ में भी देखेंगे तो क्षिप्रम का हेतु बताया है, मानुष एव लोके वर्ण आश्रमादि कर्माधिकार। माने वर्ण के साथ साथ आश्रम को जोड़ा गया। माने वैदिक व्यवस्था में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसका कोई आश्रम ना हो। हाँ ऐसा भी है, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसका आश्रम ना हो। दीक्षा न ले भले, लेकिन वृत्ति तो रहेगी ही रहेगी कोई न कोई, आयु के अनुसार भी और वृत्ति के अनुसार भी। असल में कर्तव्यों का विधान इस बात पर ही होता है वैदिक चिंतन में कि पहले आपको पहचाना जाए कि आप कौन हो, यानी किस वर्ण के हो और किस आश्रम में हो। दोनों ओर से जब आपको पहचान लिया गया तब आपको आदेश देना शुरू करता है वेद कि चूंकि आप इस वर्ण में हो और चूंकि इस आश्रम में हो इसलिए आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर किसी का वर्णाश्रम निश्चित ना हो तो वेद आदेश क्या देगा? पूछे कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्या हो? बोले मुझे मालूम नहीं। तो क्या आदेश देगा? कुछ नहीं। अच्छा किस आश्रम के हो? बोले मेरा कोई आश्रम नहीं। तो आदेश किसको देगा वे? कर्तव्य तो कर्ता से संबंधित होता है और कर्ता की पहचान होनी चाहिए। ये है वैदिक व्यवस्था में ये समाज के बारे में ऐसा सोचा गया। तो भाष्यकार तो मान के उस समय तो ऐसा रहा भी होगा, तो मान के ही चलते हैं कि ये बात तो सबको मालूम है। मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारो न अन्येषु लोकेषु इतनियमः किं निमित्त इति। अथवा वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेता मनुष्याः मम वर्तमान वर्तन्ते इति इत्यादि। अच्छा भाई बोलते हैं इसका यह जो विभाग है वो मैंने बनाया है, मया सृष्टम तस्य कर्तारम। मैं तो इसका कर्ता हूं, तस्य कर्तारम। लेकिन अर्जुन रहस्य की बात यह है कि माम अकर्तारम विद्धि,
मया सृष्टम, ये ठीक है, मैं ही इसका करता हूं, ये भी ठीक है, लेकिन जानने की चीज ये नहीं है कि मैं करता हूं। जानने की चीज है कि मैं करता होते हुए अकर्ता हूं। ये बोल तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम। तो अन्वय कैसा बनेगा? बोलते हैं माम अकर्तारम विद्धि, मुझे अकर्ता जानो, और मैं कैसा हूं? अव्ययम्, मैं अव्यय हूं। भाष्यकार ने अव्यय शब्द का अर्थ किया यहां पर असंसारिणम च। देखो अव्यय शब्द के प्रसंग में अलग अलग अर्थ होते हैं। अजोपिसन अव्यय आत्मा, वहां अव्यय शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, ये याद रहना चाहिए था। अक्षीण ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति ही, यही ना? तो वो तो चित्त में एकदम अंकित हो जाना चाहिए, जहां इम्पोर्टेंस माने महत्व बुद्धि होवे तभी जब चीजें अंकित होती हैं। पदार्थ चिंतन होना चाहिए। पद जो है उसका अर्थ यहां पर क्या दिया गया? अब देखो यहां पर अव्यय शब्द का अर्थ है असंसारिणम, ये न कि अव्यय माने जिसका व्यय न हो। ये तो व्युत्पत्त्यर्थ है, प्रसंग का अनुरोध कहां क्या बोलता है वो देखना चाहिए। तो विद्धि अकर्तारम अव्ययम, बोले अर्जुन सुनो, मैं अकर्ता हूं वास्तव में, और इसीलिए कर्म का फल मुझे लगेगा नहीं, तो मैं असंसारी भी हूं। मैं सारी चीजों का करता हूं वो ठीक है, लेकिन ये क्या कोई जानना हुआ? जानना तो असली है। क्या लिखते हैं? यद्यपि माया संव्यवहारेण तस्य कर्मण कर्तारम अपि संतम, मिला माम परमार्थतो विद्धि अकर्तारम अतएव अव्ययम मने असंसारिणम च माम विद्धि। अर्जुन ने कहा महाराज ये कोई नई बात हो गई, कोई कर्ता बड़ी चीज का कोई कर्ता हो सकता है, कोई छोटी चीज का कर्ता हो सकता है, तो इस बात से लोगों का महत्व बढ़ता है घटता है? कोई कहे कि ये शहर हमने बनाया है तो नेचरली उसका महत्व ज्यादा होगा, कोई कहे ये घर हमने बनाया है उसका भी महत्व होगा, कम होगा। तो कर्म के बल पर कर्ता का महत्व बढ़ता भी है और घटता भी है। दैट इज ओके। राष्ट्र निर्माण किया किसी ने, महात्मा गांधी जी को है राष्ट्रपिता ये उपाधि मिली, तो कर्ताओं का महत्व हो सकता है। किसी ने राष्ट्र बनाया होगा, आपने सृष्टि बनाई। भगवान कहते हैं कर्ता में कोई बड़ा महत्व नहीं है, वो तो ठीक है कि बड़ी चीज हमने बनाई तो बड़ा तो हूं, लेकिन असली पहचानने वाली बात है अकर्तारम विद्धि माम परमार्थता। वो आएगा आगे प्रसंग में कि जो कृतियां हैं ना वो स्वभावस्तु प्रवर्तते, वो तो व्यक्त सा व्यक्त से अव्यक्त होता है कालक्रम से, और अव्यक्त से व्यक्त होता है। परमात्मा का सीधे उसमें कोई कर्तृत्व है नहीं। नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, नैसर्गिक है। गीता जी में लिखा स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव से ही सब चीजें चल रही हैं। कोई मैं उठ करके करूं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो नैयायिकों के हिसाब से परमात्मा कर्ता वर्ता नहीं है। यहां तो अधिष्ठानत्वेन एव कर्तृत्वम सिद्धम औपचारिकम च, औपचारिक है
क्या बोलते हैं, माया संव्यवहारेण। बोले महाराज, महाराज अगर आपने ये बात कह दी तो इसको थोड़ा समझाइए कि आप करता हैं, आपने खुद कहा मया सृष्टम, आप स्वयं बोलते हो और फिर कहते हो जानने की बात यह है कि मैं करता हूं और असंसारी हूं, ये क्या है? अब इसका उत्तर देते हैं, न माम कर्माणि लिंपन्ति, कर्म मुझे लेप नहीं करते, न मे कर्म फले स्पृहा, कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है। इति 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 अर्थ में ऐसा, इति माम यह कश्चित अभिजानाति, जो कोई मुझे इस प्रकार से जान लेता है, बस जानने मात्र से अर्जुन कर्म भी न सबध्यते, सह अपि न बध्यते कर्म भी, तो कर्मों से ऐसा जानने वाला भी बनता नहीं है, ये एक रहस्य है। तो ये अनुवाद हुआ, चर्चा अगली कक्षा में करेंगे थोड़ी। ओम, यही विषय चौथे अध्याय का मूल्य मुख्य विषय है, जहां पर कर्म होते हुए कर्म बांधता नहीं है। क्यों? अभिजानाति, यहां क्या लिखा, अभिजानाति ज्ञान से, इसका मतलब हुआ ज्ञान के द्वारा कर्म होते हुए भी कर्म का संन्यास हो गया। चौथे अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास। ये तो अभिजानाति यह स न बध्यते, ये विषय चलता रहेगा आगे 18वें 23वें श्लोक तक। तो 14 से 23वें श्लोक तक यही विषय चलता है। यस, फिर 24वें से यज्ञों का प्रकरण आरंभ होता है। ओम, ओम। 14 से 23 माने 10 श्लोकों में ये विषय निरूपित हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।